हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30, वैगनिंग एग्रीमेंट, शर्त लगाना, बाजी लगाना, जीतना, जीतने के साथ अमाउंट का होना तय है, पैसे लगाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। वैगनिंग एग्रीमेंट शो ऑफ दी वैट टोटल व्यर्थ मानी जाती है, बट स्किल ऑफ दी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, चिट फंड, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड इज नॉट ऑफ द वैट, इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसे कुछ दशाओं में ऑल एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ऑल एग्रीमेंट इन द वैट कॉन्ट्रैक्ट नहीं वेगर की हो सकती है। वेगर के अंतर्गत आपको शर्त लगाना, आप जीतो, जैसे एक्स एंड वाई अगर ये कार्य करते हैं तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। तो जीतो, आप जीतो, तो जीतने के साथ दो पार्टी अपना दाव लगाती है और उस दाव के अंतर्गत ये एग्रीमेंट में लिखती है कि हम आपको कितना देंगे, 1,00,000 रुपीज पेड करेंगे। इज ए टोटली पार्टी कंसर्न इन दी शो इन दी रिटेन ऑफ दी मैटर्स, ये पहले से स्पष्ट होता है दोनों पार्टियों के बीच में। वैगनिंग एग्रीमेंट, अब इसे वैगनिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 तो यही करता है कि टोटल वैट, बट ऑफ द वैगनिंग एग्रीमेंट कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द शो ऑफ द पोजीशन दे ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द योर बिजनेस ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन गिव टेकन सेल ऑफ द परचेज। आप कोई भी काम सामान लेते और देते हैं, लेकिन उस आप गिव करते हैं, प्राप्त करते हैं, या टेकन आप देते हैं, इन दोनों को लेने के बीच में आपका अमाउंट होता है। दिस कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज ए वैलिड ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहां पर प्राइस फिक्स है, बट कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज प्राइस ऑफ द लमसम। हाँ, आइए हम आपको सामान दे देंगे, अरे कितने कीमत में देंगे, कितने पैसे में देंगे, या टोटली स्पष्ट होना चाहिए। तो दिस इज वैगर एग्रीमेंट। इसको हम ये अगर ऐसे एग्रीमेंट होते हैं तो बाजी लगाने, शर्त लगाने, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन में पेड अमाउंट्स टोटली क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए कहता है स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेट ट्रांजेक्शन वैगनिंग ट्रांजेक्शन इज ए टोटल वैट। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन अंडर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस के अंतर्गत होती है। जनरली स्पेकुलेट ट्रांजेक्शन वैलिड इन इंटेंशन ऑफ द टू पार्टी, दो पार्टियों की इच्छाओं पर डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंटेंशन एक्वायर डिलीवरी कमोडिटी, दो पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन करते तो सामान का लेन देन होना चाहिए। एंड म्यूचुअल इंटेंट इज अंडरटेक रिस्क मूवमेंट ऑफ द प्राइस, अब प्राइस का रिस्क होना जरूरी है। नेक्स्ट आपके लिए कहता है लॉटरी। लॉटरी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125, ये टोटल स्पष्ट है कि लॉटरी गेम इज द वैट टोटल व्यर्थ। इसे एक लीगल बिजनेस के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टोटली ऑफ द लॉटरी इन द सिस्टम इन द गेम ड्रॉ इन लॉट ऑफ द गेम और लॉस। अगर आप कोई टिकट खरीदते हैं और उस टिकट खरीदने पर आपको सबको तो मिलेगा नहीं, जिसके पास उस टिकट उस नंबर की चीजें होती है जिसकी लॉटरी लग जाती है उसी आदमी को पैसे मिलेंगे, बाकी जो ने परचेज किया है वो टोटल पैसे उनके लिए लॉस हो जाते हैं, उस प्रकार से वो कोई वर्क नहीं कर सकते। तो टू टिकट लॉटरी वेगरिंग एग्रीमेंट, अगर आप दो टिकट खरीदते हैं तो वो वेगरिंग एग्रीमेंट है, फुल आईपीसी के अंतर्गत यह टोटल वैट मानी गई है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट ऑफ द वेगरिंग एग्रीमेंट, शर्त नहीं लगानी है। डेथ पर किसी भी फैमिली का पर्सन अगर इंश्योरेंस कराता है, अगर उस पर्सन को डेथ होती है या डेथ इंजरीज होती है मेडिकल, अगर ऐसा ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो, अगर उसे ऐसी कुछ चीजें होती है
तो जितने की क्लेम बनी है वह क्लेम पास पाता है, तो दिस इज नॉट एग्रीमेंट, वैगर एग्रीमेंट या शर्त नहीं लगाई गई है। क्योंकि आप जब इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आप उसका प्रीमियम का भुगतान करते हैं अपनी फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए, उस प्रीमियम पर भुगतान करते हैं। अगर वैसी कैजुअल्टी घटती है तब आप उस पैसे को प्राप्त करते हैं, नहीं तो वरना आपको अमाउंट आप मिलती रहेगी। तो दिस इज वैगर, नॉट फॉर वैगर एग्रीमेंट। इंश्योरेंस इज ए टोटल इंश्योरेंस कंपनी इन दी श्योरली प्रीमियम रेगुलर टू ऑफ दी पे आप पेड करते हैं, डेथ पर आपको पोजीशन प्राप्त होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत टोटली फैमिली को प्राप्त होती है। क्रॉस वर्ड पजल एंड प्राइस ऑफ दी कमिट्स, दिस इज नॉट ऑफ दी वैगर एग्रीमेंट, दिस इज ए स्किल डेवलपमेंट ऑफ दी पोजीशन इन दी, ये वैगर एग्रीमेंट नहीं है। इन दी मेड वर्ड्स ऑफ दी गेम इन चांस इन दी स्किल, अब आप एक गेम खेलेंगे जो गेम के अंतर्गत आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर एक प्राइज जीतेंगे और वह प्राइज आपको निश्चित प्राप्त होगी। तो प्रोवाइडेड, जैसे अगर यदि आप एक गेम क्रॉसवर्ड गेम खेलते हैं तो आपको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो अब यदि आप ऐसे इनाम खेलते हैं तो अब ऐसे सिर्फ तो आप गेम खेले, गेम जीत गए तो आपको कितना प्राप्त हुआ, 5,000 रुपए। ये शर्त लगी हुई है, शर्त आप जीत गए, लेकिन ये स्किल आप डेवलपमेंट, ये आपने खेला, आपके अंदर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कार्य करने की क्षमता है, जिसके अंतर्गत आप इस गेम को जीत सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए चिट फंड। चिट फंड इज नॉट इन दी फ्रॉडुलेंट, या फ्रॉड नहीं है, या टोटल फ्रॉड, दिस इज नॉट ऑफ दी वेगर एग्रीमेंट, दिस इज दी स्किल ऑफ दी डेवलपमेंट। इन दी चिट फंड प्लान अरेंजमेंट सब्सक्राइब गेट बैक अमाउंट देयर कंट्रीब्यूशन फिक्स डेट नॉट ऑफ दी लॉटरी, ये लॉटरी नहीं है कि हमने एक एक करके टिकट आप कर दे, किसी एक व्यक्ति का लॉटरी लगा और पैसा पड़ गया, वो आरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 125 ये कहता है कि आप पर उस पर सजा हो सकती है। चिट फंड में हम एक फिक्स अमाउंट सभी लोग डिपॉजिट करते हैं, फिक्स टाइम ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन के बाद निश्चित अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें प्राप्त होती है। दिस इज लीगल ऑफ दी सिस्टम, या लीगल फॉर्मेट के अंतर्गत होता है। दिस इज नॉट ऑफ दी वेगर, दिस इज दी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टियां आपस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करती है। पार्टिकुलर चिट फंड इन दी वेदर नॉट डिपेंड अपॉन सर्कमटेंस, स्थिति परिस्थिति अच्छी रही तो प्रॉफिट भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है कि इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए देखे भी होंगे, हॉर्स रेस एंड डॉग रेस दोनों की रेस कराते हैं, स्किल ऑफ दी डेवलपमेंट नॉट ऑफ दी, आपका घोड़ा जीतता है, आपका कुत्ता जीतता है, तो आपको इस जीतने पर जो 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए के इनाम है वो इनाम आपको प्राप्त होंगे, प्राइज प्राप्त होगी, विनर आपको प्राप्त होंगे। दिस इज नॉट फॉर दी अनलॉफुल, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए अनलॉफुल है, दिस इज दी वैलिड ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, जिसमें आप अब इसकी कंट्रीब्यूशन, अगर वो प्रॉफिट करता है तो वो टिकट बेचता है, टिकट से पैसे कलेक्ट करता है और कोई इनाम देता है। अब वो पार्टी की डिपेंड है कि वहां कहां से पैसे आपको देगा, अगर वो टिकट बिके चाहे न बिके, अगर आपके उन्होंने जो प्राइस निश्चित कर दी है उस निश्चित प्राइस वो से आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30 के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत गैम्बलिंग, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द टोटल वैड, या टोटल वैड मानी जाती है, क्योंकि आप क्रॉसवर्ड पर गैम्बलिंग गेम खेलते हैं, आईपीसी 180 और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967 के अंतर्गत वैड माना गया, यह व्यर्थ है, इसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं। आज आपने पूरी वीडियो वैगरिंग एग्रीमेंट को कंपेयर्ड हमने आपको अदर टाइप ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट से बताया, जिसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन भी आती है, हम कोई लेन देन करते हैं, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेकुअल दो पार्टी म्यूचुअल पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्पेकुअल ट्रांजेक्शन करते हैं, लॉटरी अगर कोई करती है तो लॉटरी आईपीसी के अंतर्गत वैड व्यर्थ मानी जाती है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेबल पार्टी अपना इंश्योरेंस कराती है, यदि उसे डेथ होगी तो उसे वो बेनिफिट प्राप्त होगी,
उसकी फैमिली को प्राप्त होगी, उस परिवार उस सदस्य के न रहने पर पैसे से उस परिवार की क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सके। क्रॉस बजट स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आप प्राप्त करते हैं। चिट फंड, आप एक निश्चित मनी दान कर, दिस इज नॉट ऑफ द लॉटरी, एक व्यक्ति को नहीं सबको मिलेगा, मार्केट बेस की प्रॉफिट पर मिलेगी। हॉर्स रेस, आपके बिजनेस में हॉर्स या डॉग रेस आपको स्किल डेवलपमेंट करती है, जो प्राइस है इनाम आपको प्राप्त होगा। गैम्बलिंग इज ए टोटल वैड कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ मानी जाती है, इसका मैंने सॉर्ट आउट आपको बता दिया। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में, आप अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज कराने के लिए यस जरूर लिखे। थैंक सो मच।